हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव यार एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ टेकी राजीव। सो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोट एयर ड्रॉप्स 131 चेरी ब्लोशन कलर है। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने 6 मंथ बिफोर मैंने परचेज किया हुआ था इस एयर ड्रॉप्स को, बट आफ्टर 6 मंथ इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इसका राइट साइड का जो एयर ड्रॉप था, ईयरफोन था, वो उसमें चार्जिंग का इशू आने लगा। वो जैसे हम उसको चार्ज करते थे तो चार्जिंग नहीं होता था। देन मैंने इसकी कंप्लेन बोट को रिपोर्ट की कि हमारा प्रोडक्ट जो है विद इन वारंटी है, तो आप इसको वारंटी पीरियड में हमें रिप्लेस करें। एक अच्छी बात कहेंगे कि बोट ने हमारी जो कंप्लेन थी इसको रजिस्टर की एंड विद इन 15 डेज उन्होंने डायग्नोज किया कि हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम है इस ईयर ड्रॉप में। तो उन्होंने हमारे रजिस्टर्ड न्यू एड्रेस पे पिकअप फैसिलिटी अरेंज करवाई और देन न्यू प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट हमारे एड्रेस पे डिलीवर करवा दिया। सो आज हम देखते हैं कि जो हमारा रिप्लेसमेंट, जो हमें ये रिप्लेसमेंट में प्रोडक्ट मिला है वो कैसा है। क्वालिटी के मामले में फ्रेंड्स कहें तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ ही ये प्रॉब्लम करने लगी। इसकी बेस क्वालिटी बहुत पुअर है इसमें, और फर्दर इसमें जो टच ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, जो बाकी के वर्जन्स में आपको मिलता है। जो रिप्लेसमेंट में उन्होंने दिया है सेम कलर दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। चेरी ब्लॉसम का कलर था, सेम उन्होंने चेरी ब्लॉसम से ही रिप्लेस किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल है एयर ड्रॉप्स 131 चेरी ब्लॉसम, इसमें टच ऑप्शन नहीं मिलता है, बेस वैल्यू लो है। सो सिर्फ मूवीज देखने के लिए और नॉर्मल म्यूजिक सुनने के लिए अच्छा है, बट अगर आप हाई बेस वैल्यू चाहते हैं तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। क्वालिटी के मामले में आपने देख लिया 6 मंथ में इसमें प्रॉब्लम आ गई। अभी देखते हैं नया वाला क्या रिस्पॉन्स देता है। सो फ्रेंड्स, इन्होंने हमसे बोला हुआ था बोट की सर्विस सेंटर ने कि आपको केवल ओनली आपको ईयर पीसेस रिटर्न में उन्होंने कुरियर से रिसीव करवाए थे, तो बाकी जो एक्सेसरीज थी उन्होंने एज इट इज़ हमारे पास रहने दी। तो वो एक्सेसरीज हमारे पास है, लाइक चार्जिंग केबल है, चार्जिंग केबल ही ओनली, लीफलेट्स और बुकलेट और ये बॉक्स है। सो आप देख सकते हैं कि कलर तो काफ़ी अच्छा है, सेम कलर से उन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। सो फ्रेंड, जब हम रिप्लेसमेंट के लिए जब हमने रिक्वेस्ट की थी, वारंटी क्लेम किया था, तो ओनली ये बॉक्स उन्होंने, कुरियर पर्सन आया था, उन्होंने सिर्फ ये बॉक्स कलेक्ट किया था। जो उनके सर्विस सेंटर पर ये बॉक्स रिसीव हुआ, देन उन्होंने डायग्नोज किया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब उन्हें प्रॉब्लम हमारी जेन्युइन लगी तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो ये काफ़ी रिप्लेसमेंट वारंटी पीरियड क्लेम करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बोट की अच्छी सर्विस पाएंगे इस मामले में, हम उसको 10 out of 10 पॉइंट देंगे। सो यार, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ग्लॉसी है, न्यू प्रोडक्ट से मैंने रिप्लेस किया हुआ है, और इससे टच नहीं मिलेगा आपको यहाँ से टच नहीं मिलेगा। जो भी इसमें यहाँ पे जो है ऑन ऑफ का ऑप्शन रहता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मैंने इसकी वॉइस क्वालिटी चेक की है, वॉइस क्वालिटी में अगेन हम कहेंगे इसमें बेस क्वालिटी इज़ वेरी लो। आप मूवी देखेंगे देन आपकी वॉइस डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी एकदम क्लियर रहेंगी, बट तो अगर म्यूजिक के नोट्स की बात करें तो आपके सारे म्यूजिक की क्लियर नोट्स आपको नहीं मिलेंगे इसमें। इसको कह सकते हैं इट्स ए बेस मॉडल, अब एडवांस नहीं है। इसके जो दोनों साइड में आपको दिख रहा है, ये मल्टी फंक्शनल बटन है, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम पे इसको परचेस करेंगे तो रीसेट करने का इसमें मेथड दिया गया हुआ कि आपको कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रीसेट करना है। प्लेस द ईयरबड इनसाइड द एंड क्लोज लिड, ये हमारा आपका लिड हो गया, ठीक है। टेक बोथ द ईयरबड्स एंड ट्रिपल टैप ऑन द मल्टी फंक्शनल बटन साइमल्टेनियसली टू परफॉर्म रीसेट इंडिकेशन बाय रेड LED विच गेट्स एमिटेड फॉर 1 सेकेंड। प्लेस बैक द ईयरबड्स इनसाइड द केस इन द करेक्ट ओरिएंटेशन। ओपन द केस लिड एंड रिफर टू फर्स्ट टाइम पेयरिंग और परफॉर्मेंस कनेक्शन वाया IWP मेथड। तो कनेक्ट करने में फ्रेंड्स कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हमें लगता है कि ये रिसेट मोड में ही आया हुआ है, रिसेट ऑलरेडी इसकी जो बड्स थी वो रिसेट थी। सो मुझे कनेक्ट करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। एक बार आप बड के अंदर डालिए, जो हमारा इसका कैप है काफ़ी ग्लॉशी है, अच्छा है, लाइट वेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और इसमें चार्जिंग के इंडिकेशन आते हैं। अगर इसमें और फर्दर इसमें बॉक्स में बात करें तो आपको मिलेगी एक चार्जर केबल,
आप इसको आपके जो ओल्ड चार्जर्स हैं इससे आप इसको कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं, ये आपको प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, रिप्लेसमेंट के टाइम पे, वारंटी क्लेम के टाइम पे हमसे ओनली ये चीज़ मांगी गई थी और रिमेनिंग बॉक्स सारा कुछ मेरे पास है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उन्होंने उसको मांगा हमसे।